त्यौहार रिपब्लिक डे के अवसर पर कोडरमा में बागीटाड़ा स्टेडियम में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से एक झांकी निकाली गई थी, जिसमें नशा मुक्ति अभियान को दिखाया गया था, जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन दोनों को। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, काफ़ी अच्छा काम किया आज आप, जिसकी सराहना भी की गई आपको। आप सभी श्रोतागण को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो भी एक्टिंग कर पाते हैं वो आप लोग का देन है, कि बचपन से रहा है कि अच्छा संदेश दे हम। के लिए आप लोग का जो झांकी था उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। नशा मुक्ति का जो झांकी है वो जिला के द्वारा जब दिखाया गया तो हम लोग काफ़ी खुश हुए कि एक अच्छा नाटक करने का मौका मिला, और इस नाटक से लोग सीखेंगे और अपना जो परिवार है खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, यही हम लोग का उद्देश्य था। नाटक के जरिए आप जो दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो अभी भी नशा कर रहे हैं? अभी भी नशा कर रहे हैं, उपदेश यही देना चाहते हैं कि लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं बच्चे सबको। तो मेरा कहना है कि आप 100 रुपये का एक दिन का दारू पीते हैं तो महीने का 3000, लेकिन अच्छा स्कूल में पढ़ाने में 3000 नहीं लगता है, आप 1500 रुपये में भी आप अच्छा शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। तो नशा आपका जो सो जिंदगी बर्बाद करता है, समाज में आपका जो इमेज होता है वो भी खराब करता है, और आने वाली पीढ़ी में जितने भी हैं वो आपके बच्चे का असर पड़ता है आपका नशा से, हो सकता है कि पूरा परिवार ग्रसित होता है एक नशा करने वाले, समाज भी बर्बाद होता है आपके कारण। कब से इस क्षेत्र में हैं आप? इस क्षेत्र में हम 2001 से हैं, हम नाटक एक्टिंग डांस शूटिंग हम लोग करते हैं, और ये हमारी बीबी है। हाँ, हम क्या नाम है आंटी आपका? मेरा मीना देवी नाम। आप भी कब से हैं आप ये फील्ड में? हम 2017 से, मतलब जब से इनसे शादी हुई तब से। हाँ, तब से इनसे जुड़े हुए। उनसे पहले आप कभी कोई नाटक वगैरह? उससे पहले नहीं कुछ किया, नहीं किया था। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद एक महिला है, घर में जब कोई किसी का पति या किसी का भाई या किसी का बेटा नशा करता है तो कितना प्रभाव पड़ता है पूरे परिवार के ऊपर? पूरे परिवार के ऊपर यही प्रभाव पड़ता है कि उसका पूरा परिवार का जीवन नर्क जो होता है ना, नर्क के बराबर हो जाता है उनका जीवन। इसीलिए मैं उन नशा जो करते हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि नशा को छोड़ दें, नशा एक बहुत बुरी आदत है, उससे किसी का भला नहीं हुआ है और ना ही होगा, उससे जीवन है कि और भी नर्क ही और चला जाता है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और सर जानेंगे कि और भी तरह तरह के आप नाटक करते होंगे, तो ज़्यादातर कहाँ कहाँ गए हैं अभी नाटक के लिए? नाटक के लिए हम एक बार पटना गए हैं, दीप श्रेष्ठ जो है विश्वनाथ मेहता, जो आज नाटक करने का मौका मिला, हमारे दोस्त हैं विश्वनाथ मेहता और अनंत मेहता, जिन्होंने इस काम को उठाए और हम लोग दोनों पति पत्नी को मौका दिए। पटना में किए हैं, रांची में फिल्म भी किए हैं हम लोग। फिल्म भी किए? हाँ, कौन सा मूवी? फिल्म किए, लेकिन फिल्म हम लोग का निकला नहीं। अच्छा। उसमें एक विलेन का किरदार था, अच्छा है कि विलेन के रूप में हम नहीं आना चाह रहे थे, और फिल्म भी बंद हो गई, हीरोइन मर गई। फिर उसके बाद फेरा हम लोग पति पत्नी हैं, लेकिन ये दूसरी बीवी है, और हम लोग का जो स्टोरी है लव स्टोरी के ऊपर फिल्म बना, और उसके यानी के अंदर में भी हम लोग काम किए हैं, और मेरी वाइफ नहीं है उसमें, दो हीरोइन है, एक बंगाल से है और एक झारखंड। कौन से लैंग्वेज में? हिंदी में है सर, मजबूरी एक और विवाह उसके। अच्छा, भिलेन है मजबूरी एक और विवाह। हाँ अच्छा, YouTube चैनल पर मिलेगा। और डायरेक्टर कौन से चैनल पे है वो बता दें? उसमें YouTube में आप देखेंगे सिरधा एंटरटेनमेंट, सिरधा एंटरटेनमेंट पे जाके आप इनका जो एक्टिंग है वो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं बखूबी। आज आपको बागेटाड़ में जब लोग देख रहे थे तो काफी लोग सराह रहे थे, तालियां बजा रहे थे आप लोगों को एक्टिंग को देखकर। एक्टिंग हम अपने पापा से कुछ सीखने का मौका मिलता है कि क्योंकि हम लोग जितने भी है फैमिली वाले सब कलाकार हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई हम लोग एक्टिंग डांस करते हैं, और अच्छा लगता है कि एक दिन सपना था कि कोई इंटरव्यू ले। और छोटे गांव से हम लोग, डुमचास से हम लोग की टीम ये पूरी कोशिश करती कि वैसे लोगों को दिखाया जाए जो जिन्हें साधन नहीं मिलता है, संसाधन नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ बेहतर करना चाहते हैं समाज के लिए अपने लिए, तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाते हैं और लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो वीडियोज हैं वो आप बखूबी इसकी सबूत है। आप अमूमन देख सकते हैं कि हम लोग वैसे ही लोगों को ज़्यादातर प्रीफर करते हैं जो लोग गाँव से है,
कोई संसाधन नहीं, लेकिन कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसे हम लोग जरूर दिखाते हैं। अगर जो दर्शक देख रहे हैं अगर कोई वैसे लोग भी हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग वहां भी जाएंगे और कवरेज करेंगे। तो नशा मुक्ति का जो ये अभियान था आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोडरमा के बागीटांड में झांकी के माध्यम से जो दिखाया गया था, काफ़ी शानदार रहा था। तो नशा जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उससे सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उससे पूरे परिवार को इफेक्ट हो रहा है। तो आप लोग भी नशा को छोड़ें और अपने परिवार को भी बेहतर लाइफ जीने का मौका दें, क्योंकि नशा आप कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके परिवार, आपके बाल बच्चा सभी पे पड़ रहा है। तो तब तक देखते रहिए आप द न्यूज़ खजाना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जोहार।